हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। हाउ आर यू? आई थिंक एज यू आर फाइन। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वी आर स्टार्टिंग। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। दिस इज अ इजी क्वेश्चन, यू कैन डू दिस। लेट्स ट्राई। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन का, व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्वेश्चन क्या है? 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18। दिस नंबर इज इन द डिवाइडेशन ऑफ दिस फॉर्म। ओके, बाय द ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते क्या इसको? वैसे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर साइड जो है उसका चेंज करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। ओके, तो नंबर यहाँ पे 3 है जो डिवाइड में है, तो उसका साइड चेंज होगा, तो वो किधर चला जाएगा? इक्वल के उस साइड में जाएगा, तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 2x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 18 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3। ओके, नाउ फाइंड आउट करनी है हमें x की वैल्यू, तो 2 को क्या कर देंगे? डिवाइडेशन में भेज देंगे। मल्टीप्लाई में यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के उस साइड में कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। ओके, यस, 2 की टेबल से इसको काटते हैं। 2 की टेबल से 1 बार, 2 की टेबल से ये कितना हो गया? 9। ओके, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, कितना हो गया? 9 3 27। 9 3 27। ओके, यहाँ पे लिख देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। यस, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, कितना आ गया? 27। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, यू कैन डू दिस, इजी क्वेश्चन है। ओके, आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते तो स्टार्ट करवाते क्वेश्चन को। देखिएगा, 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। ओके, क्या करना है? y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिनो डिवाइड में नंबर है, डिवाइड के नंबर को किस में कहाँ भेज देंगे? मल्टीप्लाई में, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 1.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 1.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो 16 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? देखिए, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे रफली, 16 मल्टीप्लाई 15, 15 6 9 90, तो 90 का 9 0 हो गया, 9 कैरी चढ़ गया, 15 और 9 हो गया आपका 24। ओके, तो y इक्वल टू 200 240, 2 के बाद पॉइंट आएगा, पॉइंट 1 और 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट, तो 2.40। यस, आंसर क्या आ गया? 2.40 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सेवन एक्स माइनस नाइन इक्वल टू सिक्सटीन। ओके, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्टली क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 7x-9=16 लिखेंगे बाय द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में इक्वल के एक साइड में कोई भी नंबर प्लस का है तो वो माइनस का, और माइनस का है तो वो प्लस का, उसका साइड चेंज होते ही वो हो जाएगा माइनस का, तो है तो प्लस का हो जाएगा। 16 और 9 इधर प्लस माइनस का था, इधर आ गया, कितना हो गया? प्लस का। ओके, यस, x = 7x = 25 हो गया। ओके, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 अपॉन 7। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, यस, 9 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दैट 14y-8=13। 14y-8=13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना है, मैं आपको गाइडेंस कर देता हूँ। ओके, ये -8 है, ट्रांसफॉर्मेशन से इधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का,
प्लस का हो जाएगा, तो 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ओके तो ये वाई 14y रह जाएगा, 14y इक्वल टू 21, तो 14 चला जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में 14y के, तो y 14 चला जाएगा डिवाइड में। ओके तो y इक्वल टू आ जाएगा 21 अपॉन 14, तो 7 की टेबल से इसको काटेंगे तो 3 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 7, 10 भी आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन है, 17 प्लस 6p इक्वल टू 9, 6p इक्वल टू 9। ओके 6p को यहीं रखेंगे, 17 को उधर साइड में भेज देंगे। ओके तो उधर साइड में भेजेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से, तो 17 यहाँ पे प्लस का है तो उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का, 17 हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 8। ओके तो p इक्वल टू आ जाएगा माइनस 8 अपॉन 6, माइनस 8 अपॉन 6 आंसर आ जाएगा। ओके ये क्वेश्चन भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करवाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 12, 11 क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन है आपका एक्स अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन 15। ओके फर्स्टली बाय द ट्रांसफॉर्मेशन, सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिखेंगे बाय द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे 1 प्लस का है तो उधर साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो एक्स अपॉन 3 यहीं रहेगा, 7 अपॉन 15 माइनस 1, 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हो उसको, डिनोमिनेटर है नहीं तो। ओके एक्स अपॉन 3 एज इट इज रख देते हैं, एक्स अपॉन 3 एज इट इज 15 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 15, 7 का 7 आ जाएगा, 15 से 15 डिवाइड हो जाएगा 1 बार और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। ओके और 1 से डिवाइड करेंगे 15 को तो आएगा 15, ये हो गया 15 माइनस का। ओके तो x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन 15, माइनस का 8 अपॉन 15 आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाय द क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका आंसर माइनस 8 अपॉन डिवाइड में 3, तो इधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, इधर सॉरी डिवाइड है तो इधर हो जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ओके 3 की टेबल से 3 को 1 बार, 15 को हो जाएगा काटेंगे आपको 5 बार, 15 को कितनी बार काटेंगे 5 बार काटेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस का 8 अपॉन 5 इसका आंसर आ जाएगा। ओके क्वेश्चन को समझेंगे वापस, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका एक्स अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन 15 दिया हुआ था, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो प्लस का 1 है उधर लेफ्ट साइड में जाएगा तो हो जाएगा राइट साइड में जाएगा हो जाएगा माइनस का 1, माइनस के 1 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 3 यही रहेगा। ओके 15 और 1 का एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा, 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, माइनस एज इट इज 1 से डिवाइड करेंगे 15 को 15 और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 15। ओके एक्स अपॉन 3 एज इट इज, माइनस का प्लस का 7 और माइनस का 15 है तो माइनस का 8 रहेगा रिमाइंडर। ओके यस शेष रहेगा माइनस का 8 और माइनस का 8 अपॉन 15 आ गया, 3 है यहाँ पे डिवाइड में। ओके बाय द क्रॉस मल्टीप्लाई लिख देंगे यहाँ पे, बाय द क्रॉस मल्टीप्लाई उस साइड में जाएगा तो 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके माइनस 8 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 3, 3 की टेबल से 1 बार, 15 की टेबल से 5 बार, तो माइनस 8 अपॉन 5। ओके दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके यस वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।